और रेलवे ने एक यहां पर चेकिंग अभियान चलाया। रेलवे मजिस्ट्रेट के निर्देशन में यह यहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया। बिना टिकट के यात्रियों के खिलाफ यह अभियान यहां पर चलाया गया है और चेकिंग के दौरान ही बिना टिकट के 203 यात्रियों को पकड़ा गया। पकड़े गए यात्रियों पर एक भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया और जुर्माना राशि जो बताई जा रही है उस यहाँ पर 47,000 रुपये का जुर्माना इन यात्रियों से वसूला गया है। पकड़े गए यात्रियों पर 47,000 का जुर्माना लगाया गया और ज्यादा जानकारी के लिए अमित भार्गव मथुरा से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित, जो यात्री बिना टिकट के रेल में यात्रा करते हैं उनके खिलाफ आज एक बड़ा अभियान चलाया गया। जी बिल्कुल बिलाल, मैं आप बताना चाहूंगा कि रेलवे ने आज एक बड़ा अभियान चलाया है और उनके पास शिकायत बहुत दिन से आ रही थी कि यात्री जो है बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, तो आज बड़ा अभियान चलाया। उसके तहत करीब 200 से ऊपर यात्री बिना टिकट पकड़े गए, उनको जुर्माना करके और वार्निंग देके छोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन इससे पहले भी कई बार इस तरह की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं, क्या कोई कड़ा फरमान या फिर कोई कड़ी कार्रवाई इस तरह के लोगों के खिलाफ नहीं होती? जी बिल्कुल, पहले भी कई बार अभियान चलाए जाते हैं और उसमें यात्री पकड़े जाते हैं, लेकिन यात्री मानते नहीं है और कई बार उनका कहना ये होता है कि हम जल्दी जल्दी में टिकट लेना भूल गए या जो है कई बहाने लगाते हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो रेलवे प्रशासन कई समय समय पर इन उनको चलाता रहता है अभियानों को। बिल्कुल, तो समय समय पर इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं। शुक्रिया आपका अमित, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।